नमस्कार साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ VLS फाइनेंस लिमिटेड पे, जिसका कि शेयर प्राइस 398 रुपया है। अभी भी अपने बुक वैल्यू से काफ़ी लो में ट्रेड कर रही है ये शेयर। इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरे तरफ से उन सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन का, जिनका आज जन्मदिन है 19 सितंबर 2024, आज का डेट है। तो चलते हैं दोस्तों, VLS फाइनेंस लिमिटेड, जिसका कि शेयर प्राइस 398 रुपया, ये वेबसाइट का नाम है screener.in। उससे पहले एक खास सूचना, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। बाई सेल का कोई भी सजेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कोई भी सजेशन नहीं है मेरे तरफ से। तो चलते हैं दोस्तों, जिसका कि मार्केट कैप 1385 करोड़ का है, स्टॉक पी 4 रुपये यानी कि 4.25 है, ROC 14.1%, ROE 11.8% का है, 52 वीक का हाई लो 431 रुपया और 171 रुपया, डिविडेंड यील्ड 0.38% का है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो किस तरीके का बना हुआ है देख सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 2024 में इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न 10 साल के अंदर में दे चुका होता। यानी कि ये स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी शेयर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, 5 साल 10 साल के लिए, कम समय में कुछ भी नहीं बनता है मेरे हिसाब से। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार ही करिए दोस्तों। क्वार्टर्स का रिजल्ट देखते हैं तो उसमें जून 2024 का, जिसमें कि सेल्स 130 करोड़ का है, एक्सपेंस मात्र 7 करोड़ का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 123 करोड़ का यानी कि 123 करोड़, अदर इनकम 2 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 124 करोड़ का, जिसके वजह से EPS 26 रुपया 80 पैसा। तो मेरे हिसाब से तो अभी भी ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बैलेंस शीट पर एक नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 के अनुसार इक्विटी कैपिटल 35 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 2948 करोड़ का है। इसका रिजर्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर रिजर्व में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि ये शेयर फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। इन्वेस्टमेंट इसका 3158 करोड़ का है, जो कि एक समय 98 करोड़ का था 2013 में, 2014 में मात्र 168 करोड़ का, अभी हो चुका है 3158 करोड़ का। काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। टोटल एसेट भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है, जो कि अभी 3552 करोड़ का हो चुका है। इन्वेस्टेड के मामले में देख सकते हैं, प्रमोटर के पास में जून 2024 के अनुसार 50.85% का है, FIH के पास में 1.06% का है, DIH के पास में पॉइंट में है 0.3% और पब्लिक के पास में 48.05% है। अगर अच्छी खासी होल्डिंग अगर देखेंगे तो या तो प्रमोटर के पास में या पब्लिक के पास में, DIH और FIH नाम मात्र का है इसमें। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं तो जून 2024 के अनुसार 28,041 यानी कि इसका शेयर होल्डर्स है। इसमें 12 सितंबर 2024 का ही न्यूज है, उसके बाद में कोई भी न्यूज नहीं आया है। पोस्ट बायबैक पब्लिक अनाउंसमेंट, तो इस शेयर में अपडेट न्यूज 12 सितंबर 2024 यानी कि 12 सितंबर 2024 का सबमिशन ऑफ पोस्ट बायबैक पब्लिक अनाउंसमेंट है। तो कितना का है, तो 33 लाख का है, प्रति शेयर 380 रुपये है। इस न्यूज के अनुसार मैं तो इसमें पॉजिटिव ही दिमाग लगाता हूँ, निगेटिव मेरा दिमाग चलता नहीं है किसी भी स्टॉक में, भले ही कुछ भी हो। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अगर बायबैक से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो इस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो कि देख सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। बाकी कंपनी का थोड़ा सा डिटेल,
कब बना, कब स्थापित हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कितना एम्प्लाई है 2024 के अनुसार वो भी दिख रहा है, 35 है। मनली वन सब्सिडियरीज कौन कौन सा है, तो BLS सिक्योरिटीज लिमिटेड, BLS रियल एस्टेट लिमिटेड और भी है। बाकी BSEIndia.com वेबसाइट पे इस शेयर का प्राइस 398.15 रुपया है, जो कि लगभग लगभग स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट के हिसाब से बराबर ही है। 18 सितंबर 2024 1600 बजे का अपडेट है इस पर, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अनाउंसमेंट 12/9/2024 का ही है, सेम है, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। डिलीवरी पोजीशन है जो कि परसेंटेज में है डिलीवरी, तो वो है 59.63%, काफ़ी अच्छा है डिलीवरी परसेंटेज इस स्टॉक का। बाकी अंत में एक बात बोलना चाहूँगा, कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो पॉजिटिव सोच करके और कुछ जानकारी हासिल करके ही, किसी और के कहने पर या बकावे में किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कभी भी। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।